चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मजलूम किसानों के मसीहा बोले जाते थे, कहीं ना कहीं किसानों को उन्होंने लड़ना सिखाया अपने हक के लिए। आज उनके 115वीं जन्म जयंती है। मेरे साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सादाबाद अनिल चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और क्या विचार यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं और चौधरी साहब को याद किया जा रहा है? देखिए, इस देश के अंदर चौधरी साहब का किसानों के अंदर जो दर्जा है वो एक भगवान का दर्जा है, और निस्संदेह चौधरी साहब ने जो काम करे हैं वो इस तरह के काम हैं जिनको विश्व स्तर पर मान्यता मिली। मैं जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट की बात करना चाहूँगा, 1952 में जो चौधरी साहब ने बनाया था। आज भी कहीं विश्व भर के अंदर लैंड रिफॉर्म्स की बात चलती है तो वो जमींदारी उन्मूलन एक्ट जो चौधरी साहब का बनाया हुआ है उसी को मंगा के और उसको पढ़ के ही नया दस्तावेज तैयार होता है। जैसे हमारे देश के मनीषियों ने भारत का संविधान बनाते वक्त ब्रिटेन के संविधान को पढ़ा और फिर बनाया, इसी तरह से चौधरी साहब का बनाया हुआ ये एक्ट लैंड रिफॉर्म्स के लिए पूरे विश्व में एक गीता या भागवत का जो है दर्जा रखता है। दूसरी बात, एशियन इकोनॉमी पे और रूरल इकोनॉमी पे चौधरी साहब की जो किताब है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉजेज एंड क्योर, उसको विश्व स्तर पे मान्यता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी उसको रेफरेंस बुक की तरह पढ़ाया जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के नीति नियंता और अर्थशास्त्री उस ग्रंथ पे ध्यान नहीं दे रहे। चौधरी साहब के सिद्धांतों पे चलकर ही जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जा सकता है और नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। वर्तमान दौर की जो राजनीति है उसको आप किस रूप में देखते हैं, और ख़ास करके केंद्र की जो गवर्नमेंट है या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके कार्यकाल से कितने आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं फिर चौधरी साहब का ही रेफरेंस दूंगा। चौधरी साहब ने अपने एक भाषण में कहा था कि जिस दिन इस देश के किसान को धर्म और जाति में बांट दिया जाएगा वो दिन इस देश के विनाश का दिन होगा। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि इस देश के अंदर जो राजनीति हो रही है वो लोगों को धर्म और जातियों में बांट के की जा रही है, और किसान के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, रोटी के मुद्दे, ये सब पीछे चले गए। आज आप देख रहे हैं ना, 4 साल से किसान को किसी चीज़ का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और जो उसके उपभोग की वस्तुएं हैं उनकी लागत लगातार ऊपर जा रही है। तो ये सब चौधरी साहब ने जो चेतावनी आज से 50 वर्ष पहले दे दी थी उसी का परिणाम है, और उसी रास्ते पे ये केंद्र और प्रदेश सरकार की दोनों चल रही हैं जिससे किसान का विनाश हो जाएगा और इस राष्ट्र का नाश हो जाएगा। कहीं ना कहीं बात की जाए चौधरी साहब के परिवार की, परिवार माने तो राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी आपस में कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई देता है एक मंच पर। पूर्णतः आज जयंती है, हालांकि यहाँ पर भी सुनने को मिला कुछ ना कुछ, लेकिन एक नहीं दिखाई देते हैं। क्या ये भी कारण मानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में आप अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहे? देखिए, आपने दो चीज़ कर दी, राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी चरण सिंह जी का परिवार। चौधरी चरण सिंह का परिवार इसलिए कहा, राष्ट्रीय लोकदल को ही मैंने चौधरी संघ, मुझे उत्तर देने दो, बीच में नहीं बोलते। चौधरी चरण सिंह जी का परिवार इस देश के रहने वाला 82% किसान ग्रामीण, वो चौधरी चरण सिंह जी का परिवार है। कोई एक व्यक्ति मैं ही नहीं हूँ या यही नहीं है, सारा ग्रामीण क्षेत्र, सारा किसान, सारा मजदूर, वो चौधरी चरण सिंह जी का खानदान है, उनका वारिस है। और रही बात जो है आपस में वैचारिक मतभेद कहाँ नहीं होते, मैंने तो देखा है कि न्यूक्लियर फैमिली है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, उनके बीच भी विवाद हो जाता है। तो ये तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, जीवंत कौमें जो होती हैं वही लड़ती हुई दिखाई देती है, जो मुर्दा हो गया वो किससे लड़ने जाएगा। एक और चीज़, गुजरात भाजपा ने जीत लिया, कई प्रदेश भाजपा जीत चुकी है, तो किस तरह की राजनीति हो रही है आपके विचारों से, क्योंकि और पार्टियां कहीं ना कहीं सिमटती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा सवाल है। आप ये देखिए कि गुजरात का चुनाव जो है विकास पे बहस शुरू हुआ था ना, और आज से पहले इस गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले
मोदी जी गुजरात को जो है मॉडल की तरह प्रस्तुत करते थे ना डेवलपमेंट का, इस बार मोदी जी कहाँ पहुँच गए? मोदी जी कहाँ पहुँचे बहस करते करते? अखलाक पर पहुँच गए। मोदी जी पाकिस्तान जहाँ पहुँचे, मोदी जी इतने बड़े राष्ट्र के मुखिया होने के बाद ऐसी ओछी हरकत कर रहे थे, ओछे बयान दे रहे थे कि साहब वहाँ से जो है घंटी हिलाई जा रही है, वहाँ के जासूस आके हमारे देश को तोड़ने के लिए हमारे लोगों से वो कर रहे हैं। बड़ा घटिया बयान है। आप इस देश के शासक हैं मोदी जी, अगर इस देश के अंदर बैठ के भी कोई गद्दारी करता है और आप उसको नहीं पकड़ते तो मैं आपको नपुंसक कहता हूँ। आपसी प्रतिद्वंदता में इस तरह के, जैसे आपने कहा पाकिस्तान तक पहुँच गए, अखलाक तक पहुँच गए, आपसी प्रतिद्वंदता में ये राजनीति बिल्कुल गलत दिशा में जा रही। बिल्कुल, मैं पहले ही कह चुका हूँ, चौधरी साहब के विचार हैं कि जिस दिन इस देश के गरीब किसान को, मजदूर को धर्म और जातियों में बांट दिया जाएगा, वो दिन इस देश के राष्ट्र के नाश का दिन होगा। और मैं देखता हूँ चौधरी साहब के शब्दों को याद करके इस देश का विनाश शुरू हो चुका है। अगर इस राजनीति को हमने नहीं रोका सब लोगों ने मिलकर, तो यह देश निश्चित रूप से विनिष्ट हो जाएगा। कम शब्दों में चौधरी साहब के अनुयायियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चौधरी साहब के अनुयायियों से कहना चाहूँगा, चौधरी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। बहुत सारी अब जो नई नौजवान पीढ़ी है उसने चौधरी साहब को कभी देखा ना सुना। हम लोगों को तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम छात्र थे जब, तब हमने चौधरी साहब को यहाँ सुभाष पार्क में और रामलीला मैदान में भाषण देते हुए सुना है, प्रत्यक्ष दर्शन भी किए। तो नौजवान पीढ़ी को मैं चाहूँगा कि चौधरी साहब के विचारों को पढ़े, उन्होंने किताबें लिखी हैं। और जो कुछ अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ गया है, तो पॉल आर ब्रास साहब हैं, अमेरिका के पत्रकार हैं, उन्होंने चौधरी साहब पे चार खंड में बहुत बढ़िया किताब लिखी है, वस्तु परक। 30 साल चौधरी साहब के साथ बिताने के बाद उस किताब को पढ़े, उनके विचारों को जाने, तभी इस राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। धन्यवाद चौधरी साहब, आपने अर्थ न्यूज़ से चर्चा की, आपके विचारों को साझा किया लोगों से। तो आप थे मेरे साथ में अनिल चौधरी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सादाबाद से पूर्व विधायक हैं, चौधरी साहब के 115वीं जन्म जयंती पर अपने विचार प्रस्तुत किए, वर्तमान सरकार की जो राजनीति है उस पर भी अपने विचार साझा किए, और चौधरी साहब के विचारों पर चलने के लिए अपने अनुयायियों से निवेदन भी किया। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।